कानपुर के एक चौराहे पे बेरहम तरीके से उनकी हत्या हो गई थी। आज वही 29 मार्च है और सत्तार के उस उद्धार को हम नमन करने यहाँ जुटे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे समय मैंने ज्यादा लिया, क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि अंबार के बीच कहते हैं कि उनकी बाँह में कुछ कूदा हुआ था जिसके आधार पर उनकी लाश की शिनाख्त हो गई थी। चल रहा था कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। भगत सिंह की शहादत एक दिन पहले, जैसा आप सभी जानते हैं, शहादत की तारीख 24 मार्च मुकर्रर थी, उनकी 23 को फांसी दे दी गई। भगत कार्यकर्ता के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उस पर फोकस किया गया और विद्यार्थी जी को याद किया गया। उनकी पत्रकारिता, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका जो कर्म था उस पर चर्चा हुई, पत्रकारिता की चुनौतियों पर चर्चा हुई। पत्रकारिता के सामने क्या क्या चुनौती, तो दो चुनौतियां खासतौर से युग में युग बदल गया है। युग बदलने के साथ तो बहुत कुछ बदलता है, जैसे मौसम बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, हम शरीर पर ध्यान देते हैं, बीमार पड़े थे तो युग बदल गया है, तो युगीन चुनौतियाँ हैं, तो हमारी चुनौतियाँ बदल गई उस समय से। और अभी चुनौतियाँ जो हमने ओढ़ ली हैं अपनी, उसमें कुछ मजबूरियाँ हैं और कुछ हमारी जरूरतें हैं और कुछ अपने आदतों से और कुछ ऊपर से दबाव से। बावजूद इसके सब पत्रकारों से ही आप उम्मीद करते हैं कि पत्रकार ही करेंगे, तो ये संभव नहीं। पत्रकार किसी समाज का हिस्सा नहीं। बावजूद इसके तमाम सब चुनौतियाँ वही हैं जो दूसरे के सामने हैं, पत्रकारों के सामने भी है। लेकिन पत्रकारों ने जो काम किया है और आज भी जो कर रहे हैं, हर खबर की जानकारी आपको देना, हर रात भर जगता है, सवेरे आपको जगाता है कि भाई जब वो सोए थे तो क्या क्या घटनाएं घट गई, देता है ना जानकारी। तो चुनौतियाँ तो हैं और चुनौतियों को देखने का अपना अपना नजरिया है। वो चाहता है कि हमारे हिसाब से नहीं आया, कोई चाहेगा हमारे हिसाब से नहीं आया, कोई चाहेगा हमारे हिसाब से नहीं आया। तो हम लोग कहना सिर्फ इतना ही है कि भाई कृपया चुनौतियाँ जो है उनका सामना करते हुए आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन जरूर करते रहिए। यही आज का निष्कर्ष है कि हमारा हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति है। हम समाज के हकों के पहरेदार हैं, समाज हकों पर कोई डाका न उठा। राजनीतिक शब्द है, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं, उन लोगों ने एक नया शब्द गढ़ लिया है, मोदी मीडिया। और मोदी के खिलाफ सिर्फ एक मीडिया का नाम लिया जा रहा है। तो अब ये मीडिया में है तो क्या समझते हैं कि सब लोग मोदी की प्रशंसा में लगे हुए हैं क्या? हैं, मोदी को मीडिया जिता रहा है कि जनता जिता रही है? भाई मोदी हार रहे हैं, जीते हैं तो जनता ना हराएगी जिताएगी, ये मीडिया थोड़े हराता जिताता है। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि मीडिया को अहंकार हो जाता था, कई बार कहीं हराते जाते, वो अहंकार टूटा है।